हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द क्रिप्टो जार्गन स्टूडियो टूर। काफी टाइम हो गया है जब हमने लास्ट अपडेट किया था आपको स्टूडियो में, स्टूडियो के बारे में। तो लेट्स सी क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। आप अपने गेस अभी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लेट्स स्टार्ट द टूर। तो स्टार्ट करते हैं डेस्क सेटअप के टूर से। लेफ्ट साइड में है मेरी एक स्पेयर डेस्क जिसपे मैं रैंडम स्टफ रखता हूँ, जैसे पानी की बॉटल एंड कुछ नोटबुक्स। ये वाली नोटबुक मैं यूज करता हूँ अपने क्रिप्टो जार्गन के काम के लिए। एज यू कैन सी इट हैज चैनल लोगो, दैट इज यूज फॉर नोट्स। अगर मैं कोई बुक रीड करता हूँ तो मुझे कुछ नोट्स चाहिए होते हैं, तो आई यूज दैट फॉर दिस। के बाद है हमारा माइक। सो दिस इज द श्योर SM7B आई थिंक, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 22,000 रुपीज। इसमें एक ही प्रॉब्लम है दैट दिस यूजेस माइक्रो USB केबल, तो लंबी माइक्रो USB केबल फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसको मैंने एक बूम आर्म पे माउंट किया है। आई डोंट नो द नेम ऑफ द बूम आर्म, बट आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 2,200 रुपीज। इसके बाद आते हैं मॉनिटर की साइड। तो मॉनिटर है हमारे पास डेल का। दिस आई बॉट फ्रॉम सौदे वाला एंड इट कॉस्टेड मी जस्ट 5,000 रुपीज। तो सौदे वाला पे आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। दिस इज अ यूज्ड मॉनिटर बट दिस डज द जॉब फॉर मी। इसके बाद इसके ऊपर हमने लगाई एक मॉनिटर लाइट दैट इज यूज फॉर रीडिंग या फिर रात को कुछ काम करना हो, तो उसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ। एंड नीचे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा दिस बॉक्स। दिस इज फ्रॉम आई थिंक डेली ऑब्जेक्ट्स, एंड इसमें मेरा चश्मा, मेरे एयरफोन्स, दिस इज बीट्स स्टूडियो बर्ड्स। दिस कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज आई थिंक, अभी आई थिंक 8,000-9,000 का होगा। इसमें एयरपॉड्स प्रो के जनरेशन 2, एंड यहाँ पे है रिमोट जो कि लाइट्स कंट्रोल करता है, एंड दिस रिमोट ऑल्सो कंट्रोल्स द लाइट। दे RGB के लिए है, ये मेरी स्टूडियो लाइट्स के लिए है। इसके बाद यहाँ पे है एक कन्वर्टर जिसको कभी कभी यूज हो जाता है, एंड दिस इज द फोन जो कि मेरा एक स्पेयर एंड्रॉयड फ़ोन है। दिस इज़ द गूगल पिक्सल 4a। इसके बाद यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आता है iPad Pro। तो दिस इज़ द M1 iPad Pro, एंड इसके साथ है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड। आई यूज़ इट समटाइम्स व्हेन ट्रैवलिंग, इट्स गुड फॉर वॉचिंग मूवीज़। कभी कभी चार्ट्स भी हम इस पर देख लेते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है इसका। इसके बाद इन दोनों को मैंने माउंट किया है दिस डुअल मॉनिटर स्टैंड पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सेकंड मॉनिटर। ये है एसर का 24 इंच का मॉनिटर। दिस इज अ सेमी गेमिंग मॉनिटर, 144 हर्ट्ज का है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर है, एंड मेरे बेसिक काम के लिए ये यहाँ पे यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर सेटअप हो गया। पीछे है RGB लाइट्स जो हमने लगा रखी हैं पूरे टेबल पे। एंड टेबल की बात करें तो टेबल इज फ्रॉम IKEA, एंड ये IKEA की टेबल कॉस्टेड में अराउंड 5,400 रुपीज। इट्स अ गुड टेबल, बेसिक है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद आते हैं कीबोर्ड की साइड। तो दिस इज कीक्रॉन K2 विद ब्राउन स्विचेस। आई लाइक ब्राउन स्विचेस, इससे पहले मैं ब्लू स्विचेस यूज करता था, बट दीज आर मच बेटर। इसके बाद आते हैं हम माउस की साइड। तो दिस इज लॉजिटेक MX मास्टर 3। तो ये कीबोर्ड अराउंड 8,000 का है, ये माउस भी अराउंड 7,000-8,000 रुपीस का है। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेयर आईफोन की साइड। तो दिस इज़ द आईफोन 12 मिनी, ये मेरा पुराना फ़ोन है। इसमें मेरे अभी भी क्रिप्टो वॉलेट्स रहते हैं, तो मैं इसको फेंकता नहीं हूँ, एंड दिस रिमेन्स हेयर। दिस आई यूज समटाइम्स जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे अपना मेन सिम डालना होता है, तो आई यूज दिस फॉर दैट। इसके बाद आती है वॉच। तो दिस इज द एप्पल वॉच सीरीज 7, कुछ खास नहीं है। आई थिंक दिस कॉस्टेड मी अराउंड 38,000-40,000 रुपीज। इसके बाद आता है स्ट्रीम डेक, तो विच आई यूज टू यूज फॉर स्ट्रीमिंग। आई डोंट स्ट्रीम एनी मोर क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, ऑल्सो इंटरनेट इन बैंगलोर इज नॉट गुड। तो ये आई थिंक 10,000-11,000 रुपीज का आया था। इसके बाद है मैग सेफ चार्जर। दिस आई बॉट फॉर अराउंड 3,000 रुपीज़, एंड दिस इज़ वेरी गुड, अंडर रेटेड चीज़ है काफ़ी, क्योंकि बहुत आराम से आप इससे चार्ज कर सकते हो अपने आईफोन्स वगैरह को। एंड आई यूज़ दिस फॉर टू चार्ज माई मेन फोन, दैट इज़ द आईफोन 14 प्रो, एंड दैट इज़ द 256 GB वर्जन। तो इंडिया में आई थिंक वो 1,40,000 का आता है, बट डोंट बाई इट राइट नाउ बिकॉज नया आईफोन आने वाला है। इसके बाद देर आर सम प्लांट्स जो मैं यूज़ करता हूँ केबल मैनेजमेंट को छुपाने के लिए। इसके बाद है हमारा डॉक। सो दिस इज़ अ डेल डॉक, आई थिंक 20,000-25,000 का आता है, बट आई गॉट इट फ्रॉम सौदे वाला फॉर जस्ट 4,000 रुपीज। आई थिंक सौदे वाला इज़ वेरी अंडर रेटेड राइट नाउ। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा टेक का, वहाँ से बाई करो, नॉट स्पॉन्सर्ड। इसके बाद आता है मेरा कैमरा। तो दिस इज़ द सोनी A6400, एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 60,000 रुपीज। इसके ऊपर लगा हुआ है लेंस, दैट इज 16mm सिग्मा लेंस, एंड दिस लेंस अलोन कॉस्ट 35,000 रुपीज। तो यही है रीजन कि हमारी पिक्चर क्वालिटी इतनी क्रिस्प रहती है। ये माउंटेड है एक मोनोपॉड पे जो कि डेस्क से क्लैंप हो जाता है। एंड इसके बाद आते हैं हम मशीन पे। तो आई यूज़ दी M1 Pro MacBook
14 इंच एंड दिस इज द 16 GB बेस वर्जन एंड आई रिग्रेट बाइंग इट बिकॉज मुझे 32 GB लेना चाहिए था. बाकी मशीन इज गुड बट आई थिंक रैम थोड़ी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो ये भी हमने एक मॉनिटर आर्म पे माउंट किया है. ऑलमोस्ट द होल सेटअप इज ऑन द मॉनिटर आर्म्स या फिर किसी टाइप के आर्म्स पे लगा हुआ है बिकॉज आई लाइक टू कीप माई डेस्क फ्री. इसके बाद हम चलते हैं चेयर की साइड. दिस इज द ग्रीन सोल बेसिक चेयर ऑफिस चेयर. मेरी जो गेमिंग चेयर है वो नोएडा वाले सेटअप पे है. नोएडा वाला सेटअप मैं मोस्टली यहाँ पे नहीं लाया हूँ एंड दिस आई बिल्ट इन द लास्ट वन ईयर जब मैं बैंगलोर मूव किया था. इसके बाद लाइट की साइड जाते हैं तो दिस इज़ अ डिजिटेक लाइट एंड इसको हमने गोडॉक्स के सॉफ्ट बॉक्स के साथ यूज़ करा हुआ है. द लाइट आई थिंक अराउंड 8,000 rupees एंड सॉफ्ट बॉक्स 2,000 rupees का होगा. इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी लाइट पे जो कि है हमारी एक की लाइट एंड दिस आई बॉट फ्रॉम Amazon. आई थिंक 1,500 rupees की है जिसपे एंड द स्टैंड इज अराउंड 700 rupees. इसका स्टैंड भी 700 rupees का ही होगा आई थिंक 1,700 rupees. इसके बाद है एक रिंग लाइट जिसको मैं यूज करता हूँ रिमूव सम शेडोज जब जरूरत पड़ती है. इसके बाद आते हैं हम गियर कैबिनेट पे एंड दिस इज अ बेसिक ड्रॉअर एंड यहाँ पे हमने रखे हुए हैं अपने ट्रैवलिंग गियर. तो दिस इज द पाउच फॉर रोड माइक्स जो कि मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं है. एंड यहाँ पे है लेंस. तो दिस इज अ लेंस फॉर सोनी A6400. दिस आई यूज़ फॉर ट्रैवलिंग क्योंकि उस वाले लेंस के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है. दिस इज़ अनदर कैमरा. दिस इज़ सोनी ZV-1 एंड इसको मैं रिसेंटली बाय किया हूँ एंड दिस आई टुक विद मी टू लंडन. दिस इज एन अमेजिंग कैमरा. आई थिंक एवरीबडी शुड हैव वन. आई गॉट इट फॉर आई थिंक 35,000 rupees. आई बॉट इट फ्रॉम OLX. सो मोस्ट ऑफ माई टेक स्टफ इज़ यूज बिकॉज यूज टेक इज़ वेरी चीप एंड मोस्टली वो सही होता है. एंड दिस इज़ द Insta360X3 जिसको मैं कभी कभी बाहर लेके जाता हूँ. आई डोंट पोस्ट वी लॉगिंग वीडियोज बट आई लाइक टू रिकॉर्ड थिंग्स. तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 45,000 rupees. 360 कैमरा है, शौक था तो ले लिया. इसके बाद है मेरे कुछ ट्राईपॉड्स. तो दिस इज़ फॉर माइक एंड दिस आर फॉर कैमरा. ये फ़ोन और कैमरा दोनों के लिए यूज़ हो जाता है. तो आई टेक दैम विद मी फॉर ट्रैवलिंग. इसके बाद है ये बाइनोकुलर्स. तो आई लिव इन माउंटेन्स तो कभी कभी अगर मैं जाता हूँ घर तो मैं ये लेके जाता हूँ. दिस इज़ हैवी ड्यूटी बाइनोकुलर्स एंड बर्ड वॉचिंग या फिर एरोप्लेन वॉचिंग का जिसको शौक हो हाईली रिकमेंडेड. इसके अलावा यहाँ पे कुछ कबाड़ है, डेंस का कैप है, ये सब है. तो नथिंग स्पेशल. एंड इसके बाद हम चलते हैं बुक शेल्फ की साइड. तो बुक शेल्फ पे है बाकी का मेन सामान. तो दिस इज़ अ लैम्प दैट आई बॉट फ्रॉम Amazon. इसमें एक हमने स्मार्ट बल्ब लगा रखा है तो हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर पाते हैं. दीज आर माई टू वॉचेस. दिस वॉच आई बॉट व्हेन आई मेड माई फर्स्ट मनी इन कॉलेज. दिस वॉच आई बॉट व्हेन आई ग्रेजुएटेड कॉलेज. उस टाइम मेरे पास स्टार्टअप था तो आई वॉज हैविंग सम मनी. इसके बाद पीछे है हमारा 100K प्ले बटन जिस पर हमने एक बिटकॉइन नेकलेस लगा रखा है. दिस इज़ अ कैट जो कि अपना सर हिलाती है इस तरीके से एंड आई थिंक दिस ब्रिंग्स गुड लक इन सम कल्चर्स बट आई जस्ट वॉन्ट इट बिकॉज इट लुक्स फन. इसके बाद है हमारा किंडल. सो आई यूज़ इट फॉर रीडिंग थिंग्स नाउ. पहले मैं बुक्स खरीदा करता था बट बुक्स कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मेनली यूज़ द किंडल ऑन एयरप्लेन. कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, आप चाहे तो पॉज करके नाम देख सकते हो. काफ़ी सारी ट्रेडिंग की बुक्स भी हैं, सम रैंडम रोमांटिक फिक्शन बुक्स भी हैं एंड ये दो जो हैं यूट्यूबर बुक्स हैं. दिस इज़ पुष्पेंद्र भाई की बुक. I have not read it, तो no reviews yet. इसके बाद नीचे आते हैं figurines, तो I really like them and इनको मैंने adjust करा हुआ है. तो ये shelf जो है पूरा figurines के लिए है. यहाँ पे हम figurines को रखते हैं एंड इसके नीचे हम मूव करते हैं. तो this is a light sent to me by Sillionaires. इसको लगाने की मेरे पास कोई जगह नहीं है एंड इसके बगल में है मेरा JBL का एसेंशियल स्पीकर आई थिंक. इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा XPL लैपटॉप जो मेरा कॉलेज का लैपटॉप था. यहाँ पे कुछ टैबलेट्स एंड एक एप्पल का पुराना मैजिक कीबोर्ड. सो दैट वाज द क्रिप्टो जागन स्टूडियो टूर. तो होपफुली आपके गेसेस सही होंगे, गलत होंगे पता नहीं. ऑल ऑफ दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन में जाके सब कुछ खरीद लिया है. तो कैसा लगा आपको ये टूर? ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ और सजेशन है, वट कैन वी एड, वट कैन वी रिमूव, कोई बेटर चीज होगी. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.